नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंदौर जंक्शन पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट मयंक गरोसिया आज आपको लेकर आया हूँ बिल्कुल नई जगह पर। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये महू रेलवे स्टेशन की नई स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, और ये पूरा जो है महू स्टेशन का जो है बाहर का परिसर है। ये जो अभी ब्रॉडगेज का काम चल रहा है महू से सनावत तक, उसके अंडर में जो है ब्रॉडगेज का नया स्टेशन बनाया जा रहा है। अंदर जो है ब्रॉडगेज के नए प्लेटफॉर्म्स भी बनाए जा रहे हैं। मतलब कहें सीधी बात तो आने वाले समय में महू एक बहुत बड़ा जंक्शन बनकर उभर सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे भोपाल के लिए हबीबगंज है, बेंगलोर के लिए यशवंतपुर जिस तरह काम करता है, उसी तरह से इंदौर के लिए एक जो है अल्टरनेटिव स्टेशन जो है उपलब्ध हो जाएगा। और जो महू स्टेशन है वो उसकी जो हमने अभी भव्यता देखी है वो इतना मतलब विशाल है, इतना बड़ा है कि आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक इंडियन रेलवेज के जो कोई बड़े जंक्शन होते हैं उसकी तरह दिखाई देगा। आप पीछे देख सकते हैं ये पूरा, ये जितनी भी बाउंड्री वॉल्स दिख रही हैं, ये यहाँ से महू स्टेशन स्टार्ट होता है, वो मेन एंट्री गेट है जहाँ पे अभी तीन टप्पड़ों से इन्होंने बंद करके रखा है। ये अंदर जितनी भी हम अभी जहाँ पे खड़े हैं ये पूरा पार्किंग स्पेस है, और ये बीच में गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं। पूरा दिखाइए इसे घुमा के, ये बीच में देख सकते हैं आप गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं, और जो स्टेशन बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं ऊपर बड़ा सा गुंबद बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो महू है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर जिसको अब नाम दे दिया गया है, वो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली है, जो कि बुद्ध भगवान के बहुत बड़े पुजारी थे। जिस वजह से जो स्टेशन है ऊपर देख सकते हैं, जो बौद्धिक स्तूप होते हैं उस तरह की डिज़ाइन देने की जो है यहाँ पर कोशिश की गई है, कोशिश नहीं की गई है, पूरा बौद्धिक स्तूप का ही डिज़ाइन है। अब आपको लेकर चलेंगे सीधा अंदर की तरफ और दिखाएंगे कि स्टेशन में अंदर क्या डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, तो चलिए आइए देखते हैं अंदर के काम। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्टेशन परिसर के अंदर, ये देख सकते हैं आप एंट्री गेट है मेन, बाहर जो है वो पूरा परिसर है स्टेशन का, वो देख सकते हैं ऊपर बहुत बड़ा स्तूप टाइप का बन रहा है। और जो यहाँ का टिकट घर है जहाँ पे अनारक्षित टिकट मिलते हैं वो नीचे तलघर में है, वहाँ से सामने से बाहर से एंट्री दिख जाएगी टिकट घर के लिए। जो स्टेशन है ये बहुत मॉडर्न स्टाइल में बन रहा है, ये पहले जो स्टेशन बना करते थे इंडियन रेलवेज के उनसे बहुत अलग है। इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं, इधर पता नहीं है कुछ वेटिंग हॉल टाइप के शायद इधर कुछ रहेगा, इधर वॉशरूम्स वगैरह शायद वॉशरूम्स वगैरह हैं इधर। और नीचे जो है तल घर में टिकट घर, जैसे हर स्टेशन पे होता है कि आप एंट्री लेते हैं और एंट्री लेते ही टिकट घर जो है सामने दिखता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बड़ा मॉडर्न स्टाइल में बनाया जा रहा है, बहुत अलग तरीके से बनाया जा रहा है। बस अब आपको आगे लेकर चलेंगे और आगे जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह बन रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको देते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जो मेन एंट्री गेट है वहाँ से अंदर आ चुके हैं, या आप पीछे देख सकते हैं मेरे सामने जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर एक बन रहा है, ऊपर जो है पूरा शेड लग चुका है, नीचे आप यहाँ देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म पूरा बन चुका है, मतलब जो हाइट है मतलब इसका इरेक्शन है वो कर दिया गया है। वहाँ पे जो पीछे देख सकते हैं आप छोटी लाइन का प्लेटफॉर्म है, और वो जो है वो पैसेंजर ट्रेन खड़ी है मीटर गेज की ओंकारेश्वर जाने वाली, प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलरेडी ऊँचा उठा दिया गया है। वो पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये स्टेशन बिल्डिंग है, और जो मेन एंट्री गेट है जहाँ से हम आए हैं, पीछे दिखा दीजिए एक बार, ये हम वहाँ से आए हैं, हाँ ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमने एंट्री ली है। और अब हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म नंबर एक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है इसका यूज़ मतलब रेलवे ने ये किस लिए बनाया होगा, रेल जो जिस हिसाब से दिख रहा है 10 से 12 डब्बों की ट्रेन यहाँ पे आराम से खड़ी हो सकती है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेमू और मेमू ट्रेन्स के ऑपरेशन के लिए जो है बनाया जा रहा है। बाकी आप उस दूसरी तरफ देख सकते हैं हमारे सामने जो है महू रीवा एक्सप्रेस खड़ी हुई है, ये प्लेटफॉर्म नंबर दो पे खड़ी हुई है, जो कि अच्छा खासा मतलब 18 से 20 डब्बों का रेक होल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म है। उसके पीछे तीन नंबर प्लेटफॉर्म है जिस पर भी 18 से 20 डब्बों की ट्रेन आराम से खड़ी हो सकती है। बाकी हम अब ROB पे चलेंगे और वहाँ से क्रॉस करके उधर की तरफ देखने चलते हैं कि और क्या कुछ काम चल रहे हैं, और अगर कुछ और अपडेट होगी तो आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों हम फुट ओवर ब्रिज से चढ़कर कुछ आगे की तरफ बढ़े ही थे, तो हमने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ, हम ये आपको आगे लेके आते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा वहाँ से लेकर और इधर तक आप व्यू मारेंगे पूरा, तो आप देख सकते हैं चार नंबर प्लेटफॉर्म जो है वो लगभग बनकर तैयार हो गया है, प्लेटफॉर्म पूरा बन के खड़ा हुआ है। यहाँ बीच बीच में हल्का सा काम बचा हुआ है, और शेड का काम भी, मतलब शेड के लिए जो कैटेनरी लगती है मतलब पोल्स वगैरह जो लगते हैं जो शेड को होल्ड करते हैं वो लग चुके हैं। और जितना मुझे देख कर लग रहा है यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म, जो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की गैप है 3 नंबर और 4 नंबर,
तो वहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक ट्रैक आएगा और बीच में जहाँ तक मुझे लगता है एक जो मालगाड़ी वगैरह क्रॉस करने के लिए जो लाइन रहती है, लूप लाइन जिसे बोलते हैं, वो लाइन बीच में आएगी, जिस पर अभी फ़िलहाल साउथ की तरफ तो कोई ट्रैक है नहीं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जो ट्रेन या खाली रेक खड़े रहेंगे वो यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, और फ्यूचर में जब खंडवा या फिर मुंबई की तरफ जाने वाली लाइन बनती है तो इस ट्रैक का यूज़ जो है ट्रेनें स्किप करने के लिए, स्टेशन को स्किप करने के लिए, व मालगाड़ी वगैरह जो है वो महू स्टेशन को स्किप करने के लिए इस ट्रैक का यूज़ कर पाएंगी। तो जिस प्रकार से अभी महू स्टेशन में नज़ारा दिख रहा है तो मैं आपको यही बोलूँगा, वहाँ पर देखिए आप, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये पूरा ब्रॉडगेज का जो नई स्टेशन बिल्डिंग है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जहाँ पर महू रिवर खड़ी है, इधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर डेमू खड़ी है, यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 हो जाएगा। तो भाई मतलब रेलवे की प्लानिंग बहुत बड़ी है, बहुत तगड़ी वाली है। ये समझ लीजिए कि आज से मुश्किल से मुश्किल 5 साल बाद हो सकता है कि महू को हम बहुत बड़े स्टेशन के रूप में देखें। जो आज महू दिख रहा है हमें जिस अवतार में, वो महू कुछ भी नहीं रह जाएगा जो आने वाला स्टेशन बनेगा, काफ़ी बड़ा जंक्शन होगा। और फिलहाल वैसे जो गेज कन्वर्जन का काम है वो तो बड़ा धीमा है, कछुए की चाल से चल रहा है, और जो इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन जो कि महू से ही बाइफरकेट होकर आगे जाने वाली थी, उसका काम भी काफ़ी स्लो है। तो साउथ की तरफ जाने वाली लाइन के बारे में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि महू स्टेशन जो है वो आने वाले टाइम में जैसे हबीबगंज है भोपाल के लिए, जहाँ से ज़्यादातर भोपाल की ट्रेन ओरिजिनेट होती है, उसी तरह जो है इंदौर की भी ज़्यादातर ट्रेनें महू की तरफ से ओरिजिनेट होकर इंदौर से होते हुए जा सकती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इंदौर के पास होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, इंदौर का स्टेशन काफ़ी छोटा है, 4 प्लेटफॉर्म है, 2 नए प्लेटफॉर्म बने भी हैं, पर वहाँ पर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है और रेक्स वगैरह खड़े करने की इतनी सुविधा नहीं है। तो महू जो है वो आगे चल के फ्यूचर में इंदौर स्टेशन के लिए बहुत काम आने वाला है। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा नीचे चल के आपको एक व्यू देंगे प्लेटफॉर्म का, और उसके बाद देखते हैं, और आगे चल के कुछ अगर काम होगा तो आपको ज़रूर इस वीडियो में अपडेट देंगे। तो दोस्तों, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो फुट ओवर ब्रिज है ऊपर का, वहाँ से नज़ारा दिखाया था, अब हम आपको लेकर आ चुके हैं सीधा नीचे की तरफ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, डेमो ट्रेन खड़ी हुई है, उसके बाद का जो पूरा पैच है समतल कर दिया गया है ट्रैक्स डालने के लिए, और पीछे देख सकते हैं आप मेरे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का उठा हुआ हिस्सा है, और ये देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो शेड लगेंगे उसके लिए पूरी कैटेमेरीज बिछा दी गई हैं, पीछे जेसीबी भी काम कर रहा है हमारे। ये जो है ये मुंबई एंड है, मुंबई एंड नहीं मतलब खंडवा एंड है इस ट्रैक का, और पीछे जो है ये इंदौर एंड है, इस तरफ से इंदौर की तरफ जाते हैं। फिलहाल तो ये है कि अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म के आसपास ही काम चल रहा है, आगे का एरिया जो है उस पर काम अभी चल नहीं रहा। भविष्य में जो है महू राउ डबलिंग का भी जो है यहाँ पे काम होने वाला है, तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा महू की जो है इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये यहाँ पर जितना भी काम था वो तो सब आपको दिखा दिया है, इससे ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में और भी ऐसे कुछ भी आपको प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट की ज़रूरत हो, कुछ भी आप देखना चाहते हो तो उसकी सजेशन दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।